मोदी राज में भारत लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपना भौकाल बुलंद कर रहा है। अब ये बात दुनिया के सभी देश भी मानने लगे हैं, इसीलिए भारत की तारीफ कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका ने भी भारत की जमकर सराहना की, साथ ही भविष्यवाणी की है कि साल 2023 भारत का होगा और हिंदुस्तान दुनिया भर में अपने लीडरशिप का शानदार प्रदर्शन करेगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस से कहा गया कि इस साल अमेरिकी कूटनीति में भारत पर बड़ा फोकस रहेगा। अब अमेरिका का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत इस साल बेहद प्रभावशाली G20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है और दुनिया भर में गरीब और विकासशील देशों की आवाज बन रहा है। गौरतलब है कि जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हिंद प्रशांत भविष्यवाणी 2023 कार्यक्रम में कहा गया कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत की ओर देख रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसे वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में और ज्यादा भूमिका निभाते हुए देखना चाहते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत किस तरह से हर दिन के साथ अपना परचम दुनिया में लहरा रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सहायक कर्ट कैंबल ने इशारों ही इशारों में बताया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की और ज्यादा यात्राएं होने जा रही हैं। बता दें कि भारत सितंबर महीने में नई दिल्ली में G20 देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है, जिसमें जो बाइडेन हिस्सा लेने पहुंचेंगे, तब भारत की ताकत पूरी दुनिया में एक बार फिर से देखेगी। वैसे भी भारत लगातार अपनी बात दुनिया के सामने रखता रहा है। मौजूदा वक्त में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया जब परेशान हुई, पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से सीधे शब्दों में कह दिया था कि ये दौर युद्ध का नहीं है। फिलहाल सुनिए पीएम मोदी ने किस तरह रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने युद्ध को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारे टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है और उसमें भारत और रशिया के बायलेटरल संबंध की भी बातें हुई है और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूअल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं हमें जरूर कुछ रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। और एक्सलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बात मैं करता रहता हूं, एक्सलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है।